Hi guys, welcome back to the video. So guys, first thing first, let me check if everything is recording. Yeah, everything is working fine. Guys, we are traveling, that's why poor light, everything. We are sitting on ground. Chill out guys, we are traveling, okay? So aaj hum date karenge to continuous kal nahi hai because we are traveling. Okay? So Mohammed sabke liye part 4. Jinhone hamari video abhi tak nahi dekhi, please pehle ke 4-3 part ke dekhe and uske baad start karenge. Aaj I think is video discuss karenge kaise prophet Mohammed ka janam hua. Maybe आई थिंक राइट उनके फादर उनकी मदर सबके बारे में पता चल चुका है. अब लाइक आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में आज हमें पता चलेगा कि उनका बर्थ हुआ है. गाइस कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक दिन में दो वीडियो रिएक्ट करो इनकी वाइफ ना बर्थ हो गया एक वीडियो में एक में. Yes. So, announcement जब वो खबर मिली थी कि वो नहीं आगे के continuation रख देते हैं. The thing is देखिए आप सब बोल रहे हो कि 2-3 वीडियो देखो दिन में इनकी हम देख सकते हैं but we are learning तो एक दिन में एक वीडियो काफी है. Yes. Okay? एक प्रोसेस से चलेंगे और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा. Let's start. समझने के लिए एक ही वीडियो होती है काफी क्योंकि yes, पानी लेकिन okay, let's start the video. It's fine. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है उसका ये चौथा हिस्सा यानी पार्ट 4 है. कल हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बड़ा तफसील से सुना. लेकिन क्या आपको पता है जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस साल को अरबी में आमुल फील कहते हैं. आम अरबी में साल को कहते हैं और फील हाथी को कहते हैं यानी हाथियों वाला साल. इसलिए कि उसी साल हाथियों वाला एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था जिसका जिक्र कुरान पाक की एक सूरत जिसका नाम भी सूरह फील है यानी हाथी वाली सूरत. एक जन मुझे पूछना है पता है इस्लामिक कैलेंडर अलग होता है. गाइस कमेंट्स बताएं कि सेम असलामी कैलेंडर अलग जैसे नॉर्मल होता है जैसे डिफरेंस क्या है. वो होता ना डेट्स आगे पीछे हैं क्या? हां डेट्स आगे पीछे हैं नियर नियर जैसे डेट्स आगे पीछे होती है. गाइस कमेंट्स बताएं इज इट राइट और नॉट. ओके खास उस सूरत में उस पूरे वाकये का जिक्र है. हुआ ये था कि काबे की अजमत और लोगों के दिल में काबे की अकीदत और शोहरत से जल भुनकर यमन के गवर्नर अबरहा ने इरादा किया कि क्यों ना यमन में भी एक ऐसा शानदार कनीसा गिरजा घर बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी ना हो और वो काबे से भी बड़ा और खूबसूरत हो. इससे अबरहा का मकसद ये था कि यमन के जो अरब लोग हैं जो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और वहां पर बैतुल्ला यानी काबे का तवाफ करते हैं वो लोग इस कनीसा की खूबसूरती इसकी अजमत और इसकी शान और शौकत से इम्प्रेस और मरूब होकर काबा जाने के बजाय इस गिरजा घर में आने लगे और इसका तवाफ करने लगे. इसी ख्याल से उसने एक बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और एक गिरजा घर तामीर किया. इसी ख्याल से अबरहा ने एक बहुत बड़ा और आलीशान कनीसा और गिरजा घर तामीर किया और बहुत बुलंद बहुत आलीशान के नीचे खड़ा हुआ आदमी ऊपर नजर नहीं डाल सकता था और उसको सोने चांदी हीरे जवाहरात से आरास्ता और पैरास्ता यानी सजाया धजाया और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि अब यमन के लोग मक्का न जाए काबा न जाए बल्कि वो अपना हज अपना तवाफ यहीं पर करे इसी कनीसा में आकर तवाफ करे और इसी कनीसा में आकर वो इबादत करे. हालांकि अरब में बुत परस्ती गालिब आ गई थी. लोग बुतों की पूजा करते थे. अलग अलग कबीलों के अलग अलग बुत थे मगर दीन इब्राहिम और काबे की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त थी यानी बहुत ज्यादा थी. इसलिए कुरैश के कबीले के साथ साथ अरब में जितने भी कबीले थे सबके अंदर ये अबरहा का ऐलान सुनकर गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई. कुरैश में खास तौर से गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुरैश के एक नौजवान ने रात के वक्त कनीसा में दाखिल होकर वहां पर गंदगी कर दी और कनीसा को पूरा आलूदा और बदबूदार कर दिया. और एक रिवायत के मुताबिक अरब के कुछ मुसाफिरों ने वहां कनीसा के बाजू में ठहर कर वहां पर अपनी किसी जरूरत के लिए आग जलाई जिसकी वजह से कनीसा को आग लग गई और कनीसा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. अब अबरहा को जब इसकी इत्तला मिली इसकी खबर मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश ने
यानी किसी कुरैशी ने ये काम किया है, तो वो तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया, उसने कसम खाई कि मैं इनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अब्राहा ने अपना खास हाथी जिसका नाम महमूद था उस पर सवार हुआ और पूरा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया और काबे पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। पूरा लश्कर हाथियों वाला था क्योंकि अब्राहा का प्लान ये था कि काबा के सुतूनों में लोहे के मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उनको हाथियों के गले में बांध दिया जाए और हाथियों को हांक दिया जाए, तो होगा ये कि एक ही झटके में सारा बैतुल्ला और पूरा काबा नाउज़ु बिल्लाह जमीन पर आकर गिर जाएगा और एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा। जब अरब में तैयार हो गए। रास्ते में कुछ कबीलों ने अब्राहा का मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन इतने बड़े हाथियों के लश्कर के सामने वो नाकाम हो गए। फिर हुआ ये कि ये लश्कर मक्का के करीब एक जगह का नाम है मगमस, वहां पर पहुंच गया जहां पर वैसे ये जो पुराने नाम थे जैसे उन्होंने मगमस बोला वो मतलब स्टिल अभी भी है वैसे ही नाम या फिर चेंज हो गया है? आस्किंग मी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप टाइम से देख रहे हो। नहीं मुझे मैंने ये इनके बारे में स्टोरी मुझे तो पता ही नहीं भी ये चीज हुई भी है, डिटेल में बता ना बंदा आया नहीं। वैसे होता ना ऐसा चेंज हो जाता है, कमेंट से बताएं, लोगों से पूछना, लोग में भी ये क्या आंसर लाइक जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सी कंट्री का नाम बताया था वो सीरिया, हां हां चेंज चेंज ओके शाम में कुछ नाम था आई थिंक इसके ऊंट चर रहे थे। अब्राहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्राहा ने यहां पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अब्राहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है, अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अब्राहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अब्राहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अब्राहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें, अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी की तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अब्राहा बादशाह से मिलाता हूँ, आप जो भी है सामने आमने बैठ कर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है, दोनों मिलकर अब्राहा के पास गए। अब्राहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे, वो देखकर यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अब्राहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है, या अब्राहा के दिल में यह भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहां मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर
कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहाँ एक साल वहाँ, ऐसे अब्राहम के दिल। मैं वीडियो नहीं देखना चाहता, बस मुझे देखना है उसके करना KAN कनीसा इन यमन है ना, यमन यमन मतलब फोटो देखना है मुझे कैसा है कनीस। देर आर मल्टीपल मैच ऑफ कनीसा यंग इंक्लूडिंग अल कलीसा चर्च इन कमेंट्स बताएं इफ आई एम लुकिंग। एक बार रेफरेंस मिल जाती ना तो लाइक इट विल बी फाइन, अगर रेफरेंस मिल जाती बट इट इज मतलब इमेजिन करने में थोड़ा इशू हो रहा है लेकिन बट इट इज गुड। अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अब्राहम का सर चकरा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं बस आप उन्हें छोड़ दे, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब्राहम तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकना चूर हो गया। तो अब्राहम ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत बड़ी वकत हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई, मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊंटों की फिक्र है जबकि आपको मालूम है कि आपका काबा जो कि आपका दीन है मैं उसको गिराने उसको ढाने के लिए आया हूं, और उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की, जरा सी भी गुफ्तगू नहीं की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि देखिए ऊंटों का मालिक तो मैं हूं, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, और काबा उसका मालिक मैं नहीं हूं, उसका मालिक तो वो अजीम हस्ती है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। अब्राहम ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा खुदा भी आज मेरे हाथ से उसके घर को बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेनियाजी के साथ जवाब दिया तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे वो करो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अब्राहम ने वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों को वापस लेकर मक्का तो आ गए लेकिन काबे के दरवाजे की जंजीरों को पकड़कर दुआ में ओह माय गॉड मुड़ गया। और गाइस ट्रैवलिंग तो चोट लगती रहती है हाथ पे। मशगूल हो गए, साथ में कुरैश की एक बहुत बड़ी जमात थी, सबने अल्लाह से दुआएं की कि ए अल्लाह इस अब्राहम के अजीम लश्कर का और इतने बड़े लश्कर का मुकाबला हमारे बस में नहीं है, ए अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत का इंतजाम तू खुद फरमा। दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब और सारे लोग पहाड़ों पर और अलग अलग जगह पर फैल गए क्योंकि उनको यकीन था कि इस लश्कर के ऊपर अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। इसी यकीन की वजह से उन्होंने अब्राहम से सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा किया था, यानी अपने ऊंटों के बारे में बात की थी, काबे के बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि इस लश्कर पर अल्लाह का अजाब आएगा और अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करेगा, और ये जो दुश्मन की ताकत जो ताकत बता रहा है जो ताकत शो कर रहा है जो हाथियों वाला लश्कर लेकर आया है अल्लाह तबारक व ताला उसके इरादे को और उसके अजाइम को खाक में मिला कर रख देगा। बहरहाल सुबह हुई तो अब्राहम ने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया कि चलो आज बैतुल्ला पर चढ़ाई करनी है, उसको ढाना है उसको गिराना है, वक्त आ गया है। सब अपने अपने तैयारी में लग गए। अब्राहम अपने खास हाथी के पास आया और उसको उठाने लगा लेकिन हाथी है कि उठने को तैयार ही नहीं, उसको सारे दरबानों ने मिलकर उठाना चाहा लेकिन हाथी है कि टस से मस हो ही नहीं रहा, वो बिल्कुल पत्थर बनकर जमीन पर जम गया, बड़े बड़े लोहे के नेजों से उसको मारा गया मगर हाथी ने उसकी परवाह ही नहीं की, यहां तक के उसके नाक में लोहे के आंकड़े डालकर उसको खींचने की कोशिश की गई लेकिन वो हाथी खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ इतना जरूर हुआ कि उस हाथी के मुंह को यमन की तरफ करते तो उठ के खड़ा हो जाता, मुल्क शाम की तरफ करते तो भी उठ के खड़ा हो जाता और मक्का की तरफ करते तो बैठ जाता और जमीन पर जम जाता। अब ये तो अल्लाह का करिश्मा था जो यहाँ जाहिर हुआ। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ खास परिंदों की कतारें झुंड की शक्ल में आती हुई नजर आई। हर परिंदे के साथ तीन कंकरियां थी और कंकरियां बिल्कुल चने और मसूर के बराबर थी।
एक चोंच में और दो पंजों में। और परिंदे भी बड़े अजीब तरह के थे जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखे गए। जिस्म में कबूतर से भी छोटे थे और उनके पंजे लाल और सुर्ख थे। हर पंजे में एक एक कंकर और चोंच में एक कंकर था। वो फौरन आए और अब्रहा के लश्कर के ऊपर बिल्कुल छा गए, यहां तक के अब्रहा के लश्कर के ऊपर उन परिंदों की वजह से बिल्कुल छाव और साये की तरह हो गया, सूरज नजर ही नहीं आ रहा था। अब हुआ यह कि परिंदों ने अब्रहा के लश्कर को घेर लिया। अब उन परिंदों ने वो कंकरिया छोड़ना यानी गिराना शुरू की, तो एक एक कंकरी बंदूक की गोली की तेजी से जमीन पर आती थी और फौजी के सर में घुसकर उसके बदन को पार करते हुए हाथी के जिस्म में घुसकर जमीन में धस जाती थी, जिसकी वजह से वो फौजी भी और हाथी भी जमीन पर लुढ़क जाते थे। अल्लाह का दूसरा अजाब अब्रहा के लश्कर पर ये आया कि खारिश की यानी खुजली की बीमारी फैल गई वो कंकरिया गिरने के बाद, और तमाम लश्कर को इतनी जो बच गए थे उनको इतनी जोर से खुजली आई कि जब वो खुजाते थे तो चमड़ी हाथ में आ जाती थी, उनकी चमड़ी उतरने लगी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। ये अजाब देखकर हाथी खुद भागकर खड़े हुए, बिल्कुल तितर बितर मामला हो गया। यहां तक कि किताबों में आता है कि बहुत सारे अब्रहा के फौजी अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंद कर मारे गए। लेकिन अब्रहा चूंकि ये तो बादशाह था, ये सबसे बड़ा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को इसको सख्त सजा देनी थी, इसको तड़पा तड़पा कर मारना था, क्योंकि अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया था। तो वो फौरन हलाक नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको फौरन हलाक नहीं किया, बल्कि उसके जिस्म में ऐसा जहर चढ़ गया, सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ सड़कर गिरने लगा आहिस्ता आहिस्ता। इसी हाल में वो वापस यमन भी लाया गया और दारुल हुकूमत जो यमन की दारुल हुकूमत थी सनआ पहुंचते पहुंचते उसका सारा बदन टुकड़े टुकड़े होकर बह गया और वो वहीं पर मर गया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने अब्रहा को हलाक किया और अपने घर की हिफाजत की। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। पांचवें हिस्से में हम सुनेंगे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद दुनिया में क्या क्या अजीब करिश्मे हुए, यहूदी दुनिया में किस तरह खलबली मची, कहां क्या हुआ, दुनिया के कोने कोने में किस तरह सरकार के आने की खबर पहुंची, और जमीन से लेकर आसमानी दुनिया तक किस तरह खुशियां मनाई जाने लगी। बस सो गाइस इट इज गोना टुमारो जहाँ पे हम देखेंगे। बट भाई ये जो स्टोरी बताई ना अब्रहा के बारे में कभी आज तक पहले सुनी नहीं थी मैंने। सो ये लाइक कमेंट से बताई इज इट, आज हमने हमने देखी थी मतलब मैसेज जो ट्रेलर का मूवी का, उसमें देखा था काबा के ऊपर पूरे पंछी घूम रहे थे, आई थिंक वही सीन की बात तो नहीं बात हो रही थी। काबा के ऊपर थोड़ी ना होगा, अरे काबा के पास ही मतलब उनको उनके घराने आए थे ना मक्का मदीना में, जैसे मक्का मदीना मक्का में अभी जो अब्रहा मुझे पता नहीं था मैसेज में तो ध्यान से देखा जो ट्रेलर था ना उसमें पंच सारे लोग घूम रहे थे, वो चीज मुझे लग रहा है उसी सीन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे थे कि ये पुराना लगता है। हाँ हाँ उसी टाइम में ना ऊपर घूम रहे थे बच्चे पंछी ऊपर घूम रहे थे, मुझे लगा कि ऐसी इसी सीन का वो शायद पार्ट होगा, आई डोंट नो ओके इट इज और इट इज नॉट मे बी आई डोंट नो ओके। बट ऑफकोर्स गाइज लाइक मजा आ रहा है देख के, अब समझ आया भी कैसे अब ये अब्दुल मुतलिब के बारे में किसी को आइडिया तक नहीं होगा, किसी मुसलमान को भी नहीं पता होगा टू बी ऑनेस्ट, बट वी नो दैट एंड हाउ किसी प्रॉफिट मोहम्मद की मम्मा का नाम क्या था, मोम का नाम क्या था, क्या नाम था भूल गया मैं, बता दे दो दिन पहले एक सेकेंड पी अरे यार मेरे को याद आ, अगर तू बता 100 रुपए अभी एक सेकेंड हाँ नहीं अभी देखती एक देखती बोलेगी देखते ही बोलेगी नहीं याद तो नहीं याद इस्लामिक प्रॉफिट्स पे टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वी हैव लर्न अ लॉट, लेट्स डू अ टेस्ट अभी करूंगा इसके बाद, ओके विल बी लाइव, वी हैव नॉट सीन द आंसर, सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।